गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड कंप्लीटेड ऑल द प्रीवियस वर्क. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 3, प्लेइंग विद नंबर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्ले विद नंबर्स. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. हियर यू कैन सी 1, 2, 5 and 10 आर ऑल एग्जैक्ट डिविजर ऑफ 10. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1, 2, 5 and 10 क्या करते हैं, 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. इट मीन्स कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं होता. 1 की टेबल 1 को क्या करेंगे हम, 1 into 10, 1 को 10 टाइम्स करेंगे, इट मीन्स 10 आया. 2 5 टाइम्स में 10 आता है और 5 2 टाइम्स में 10 आता है. इट मीन्स अगर मैं ये बोलूँ कि अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 5s are 10, रिमाइंडर इज 0. सेम हम क्या करेंगे, अगर क्या 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 5 divided by 10, सो क्या होगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0. 5 के लिए भी सेम होगा. तो क्या हो रहा है, 1, 2, 5 and 10 क्या कर रहा है, कम्प्लीटली 10 को डिवाइड कर रहा है. हाँ, सिमिलरली 1, 2, 4 and 8 आर एग्जैक्ट डिविजर ऑफ 8. 1, 2, 4 और 8 भी क्या कर रहा है, सेम जैसे हमने यहाँ पे देखा था 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 की टेबल में भी हमको 8 मिलता है, 1 8 ज़ा 8. 2 की टेबल में भी हमको कितने टाइम्स में मिलता है, 2 into 4 is equals to 8, 2 4 ज़ा 8. तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड या फिर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो कितनी टाइम्स में होगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 8 minus 8 is equals to 0. सो 8 is equals to 2 into 4, 2 into 4 यहाँ पे हम देख रहे हैं. यहाँ पे फिर थर्ड में 8 is equals to 4 into 2, 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है. इट मीन्स तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 1, 2, 5 और 10 ये जो नंबर्स है, वो जो गिवन नंबर 10 है इसको क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं. तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे इसके, सो अ फैक्टर डिवाइड्स अ नंबर कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. सो 1, 2, 5 and 10 आर फैक्टर ऑफ 10. 1, 2, 5 and 10 क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं जो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग रिमाइंडर. रिमाइंडर जहाँ पे 0 होता है, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं. सेम यहाँ पे भी क्या होगा, 1, 2, 4 and 8 आर फैक्टर ऑफ 8. 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, इट मीन्स क्या है, 1, 2, 4 और 8 क्या है, 8 के फैक्टर्स होते हैं. और यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि 1, 2, 5 and 10 जो नंबर है वो क्या है, 10 से या तो लेस है या इक्वल है. यहाँ पे 10 के इक्वल है और बाकी जो नंबर्स है वो क्या है, लेस है. सेम यहाँ पे भी है, 1, 2, 4 जो है 8 से लेस है और ये क्या है, 8 है जो 8 के इक्वल है. इट मीन्स क्या होता है, देयरफोर फैक्टर आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर्स. जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, या तो गिवन नंबर से स्मॉलर होते हैं या फिर उसके कलेक्ट सम वुड स्ट्रिप एंड जॉइन देम टुगेदर. हमने यहाँ पे कुछ वुड स्ट्रिप्स लिए हैं और उसको हमने किया, ये फर्स्ट था, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फाइव है. अब हमने उसे एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, सबको जॉइन कर लिया. सो आप देख रहे होंगे फर्स्ट में 5 है, 2 टाइम्स जब ये हो गया 2 बॉक्सेस 10 हो गया, 3 बॉक्सेस 1, 2, 3, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा. सेम यहाँ पे 3 टाइम्स है, इट मीन्स यहाँ पे ये 15 हो गया. फिर 1, 2, 3, 4 टाइम्स हो गया, ये 20 हो गया. 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स हो गया, इट मीन्स 25 हो गया. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, 5 का टेबल बन गया. 5 1s are 5, 2s are 10, 3s are 15, 4s are 20, 5s are 25. यही सीक्वेंस हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक. मतलब हम जहाँ तक ले जाना चाहें उसको लास्ट में लेके जा सकते हैं. सो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल है 5 का, 1 टाइम में 5 हो गया, 2 टाइम में 10 हो गया, 3 टाइम में 15 हो गया, 4 टाइम में 20 हो गया, 5 टाइम में क्या हो गया, 25 हो गया. सो ये सारे नंबर्स क्या है, 5 के मल्टीपल्स है. सो मल्टीपल आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, या तो
उस नंबर के इक्वल होते हैं या उससे ग्रेटर होते हैं, लेस नहीं होते। फैक्टर्स में हमने क्या देखा था, लेस देन और इक्वल टू, बट मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के रिलेटेड कुछ IMP फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फर्स्ट फैक्ट इज वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऑब्वियसली वन क्या होता है, सभी सारे नंबर का फैक्टर होता है। अगर मैं टू वन जार टू आता है तो टू का फैक्टर वन भी तो हुआ, थ्री वन जार थ्री, फोर वन जार फोर। इट मीन्स वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। सारे नंबर क्या होते हैं, खुद के भी तो फैक्टर होते हैं कि नहीं होते। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ, जैसे अभी हमने देखा था 10 का फैक्टर था, 8 का फैक्टर था, होता है ना, 10 वन जार 10 वन टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। इट मीन्स एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। थर्ड इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज वन एंड द लार्जेस्ट इज नंबर इट्सेल्फ। फैक्टर में क्या होता है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज वन एंड द लार्जेस्ट इज द नंबर इट्सेल्फ। हमने देखा था कि जब हम 10 का फैक्टर फाइंड कर रहे थे तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या था, वन था, एंड लार्जेस्ट क्या था, नंबर इट्सेल्फ। इट मीन्स 10 का अगर फैक्टर हमने देखा था तो 10 ही था। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो एग्जैक्ट डिविजर होते हैं। एग्जैक्ट डिविजर इट मीन्स क्या होते हैं, उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या होता है, ऑलवेज जीरो, तभी वो उसकी क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू द गिवन नंबर। सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो गिवन नंबर से लेस होते हैं या इक्वल होते हैं। जैसे हमने अभी देखा था 10 का जब हमने फैक्टर देखा था तो क्या था, 1, 2, 5 and 10। इट मीन्स 1, 2 and 5 इज लेस देन 10, बट 10 इज इक्वल्स टू 10। इट मीन्स एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू द गिवन नंबर। नेक्स्ट इज देयर आर फाइनाइट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट, इनफाइनाइट हमने देखा था, इनफाइनाइट इट मीन्स जहाँ तक हम उसे ले जा सकते हैं, बट फाइनाइट इट मीन्स फिक्स्ड हो जाता है। जैसे हमने 10 के लिए फैक्टर्स देखे थे तो 10 के लिए फैक्टर्स क्या क्या थे, 1, 2, 5 and 10, ओनली 4 फैक्टर्स थे। इट मीन्स क्या था, वो फिक्स था। बट हमने जब मल्टीपल देखा था तो मल्टीपल कैसे था, इनफाइनाइट था। 5 को मैंने जितने टाइम, 2 times, 3 times, 4 times, इनफाइनाइट टाइम भी कर सकते, मतलब लास्ट जहाँ तक हम उसे ले जा सकते हैं। सो ये फाइनाइट मीन्स फिक्स्ड होता है फैक्टर्स में। सो देयर आर फाइनाइट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो फाइनाइट होता है, फिक्स्ड होता है, लिमिटेड होता है। हम अनलिमिटेड है या अनकाउंटेबल नहीं बोल सकते। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। और एवरी नंबर क्या होता है, खुद का मल्टीपल होता है। जैसे हमने अभी मल्टीपल फाइंड किया था 5 का, तो 5 के टेबल में हमने क्या देखा था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 5 से ही हुआ था, अपना ही मल्टीपल होते गया था। इट मीन्स 5, 5 2 are 10, फिर 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25। इट मीन्स एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इट्सेल्फ। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इट्सेल्फ। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, जो नंबर किसी भी नंबर का हम मल्टीपल फाइंड करते हैं। सो सपोज हमने यहाँ पे लिया था 5 लिया था, जब वुड स्ट्रिप्स ली थी तो 5 का हमने मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट किया था, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 2 times, 3 times, 15। सो स्मॉलेस्ट क्या होता है, नंबर इट्सेल्फ, जिस नंबर से हम स्टार्ट करते हैं वही नंबर होता है। एंड द नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल ऑफ दैट नंबर। जब हमने अभी देखा था कि जब हमने 5 का मल्टीपल फाइंड किया तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, नंबर इट्सेल्फ, मतलब खुद से ही स्टार्ट हुआ। 5 1 are 5, 5 1 times में था, फिर 2 times में था तो 10 are हुआ, फिर 3 times में था, इट मीन्स 15 हुआ। सो क्या हो रहा था, वो खुद का ही मल्टीपल हो रहा था। सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, इट्सेल्फ था, और बाकी जो नंबर्स थे वो क्या थे, ग्रेटर देन द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर था उससे क्या थे, ग्रेटर थे। नेक्स्ट इज अ परफेक्ट नंबर। व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर,
परफेक्ट नंबर क्या होता है? एवरी नंबर इज़ परफेक्ट, हमको तो लगता है सारे नंबर परफेक्ट है ना, बट एक्चुअल में परफेक्ट नंबर क्या होता है? जब हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल पढ़ते हैं, अ नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर इट्सेल्फ इज अ परफेक्ट नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे, जब हम 6 का फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब हमने 6 का फैक्टर फाइंड किया तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास। 6 के फैक्टर में, 6 का फैक्टर क्या था, 1, 2, 3 एंड 6, ये नंबर्स कैसे हैं जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, अ नंबर द सम ऑफ हूज फैक्टर, इसके फैक्टर का सम, यहाँ पे 6 के फैक्टर क्या थे, 1, 2, 3 एंड 6, और इसके फैक्टर का क्या किया हमने, फैक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर, इस नंबर का ट्वाइस क्या होगा, 6 into 2 is equals to 12, जो गिवन नंबर का ट्वाइस, इट मीन्स डबल, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, सो 6 2 12 हो गया। और जब हम इन सारे नंबर, सारे फैक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे, सो 1 + 2 + 3 + 6 ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। सो 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सो यहाँ पे भी हमारा क्या था, ट्वाइस 12 था, और यहाँ पे भी ये क्या आ गया, 12 आ गया। सेकेंड, तो क्या हो गया, ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। कैसा नंबर है ये, परफेक्ट नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिसके हम फैक्टर फाइंड करते हैं और उन फैक्टर्स का जब हम सम करते हैं, तो जो गिवन नंबर रहता है उसका ट्वाइस और उसका फैक्टर का सम जब इक्वल हो जाता है, तो वो नंबर क्या हो जाता है, परफेक्ट नंबर। जैसे यहाँ पे क्या है, 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। सिमिलरली सेकंड वाले में हम देखेंगे, द फैक्टर ऑफ 28 का जब हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से ऐसे नंबर्स है, या तो हम बोल सकते हैं जिनकी टेबल में 28 आता है, या फिर ऐसे नंबर्स जो 28 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। सो ऑब्वियसली बात है, जिसकी टेबल में आएगा वही तो उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। सो द फैक्टर ऑफ 28 आर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, क्या है, फैक्टर्स है किसके, 28 के। सो इसका हम फैक्टर्स जब हमने लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, 1 + 2 = 3 हो गया। तो यहाँ पे से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 28 + 2 कर देंगे, ये हो गया 30 हो गया, 30 + 14 = 44 हो गया, 44 + 4 = 48, 49 and 49 + 7 क्या होता है, 56। तो ये क्या हो गया, सम क्या आ गया, 56 आया। और 28 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से भी क्या आता है, ट्वाइस ऑफ नंबर बोल रहे हैं ना, गिवन नंबर का ट्वाइस ऑफ नंबर, इट मींस 56। तो दोनों नंबर कैसे है, यहाँ से इसका सम भी 56 है, और जब हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 56 है। सो 28 कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर। 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर,